हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना, ब्लॉग्स विद वंदना, जहाँ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मार्बल केक, जो बहुत ही इजी है बनाना। वैसे तो आजकल घर में ये सब बनाते हैं, बट मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। हो सकता है आप लोगों को कोई टिप मिल जाए या फिर थोड़ा इजी लगे बनाने में। मैंने इसको कोई माइक्रोवेव ओवन में नहीं बनाया है, मैंने बस इसको एक पतीले में बनाया है। मैं या तो पतीले में बनाती हूँ और या तो कढ़ाई में बनाती हूँ। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आप पतीला या कढ़ाई उसको बेक करने के लिए लो तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि जब भी आप उसमें केक का टिन डालो तो आपका हाथ गर्म ना हो, क्योंकि उसको प्री हीट करना पड़ता है 10 मिनट पहले, तो आपका हाथ ना जले, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद ये बहुत इजी है बनाना, बहुत ही इजी है। बस जो टाइम लगता है इसको बेक होने में ही टाइम लगता है, क्योंकि ओवन में आप बनाओगे तो वो जल्दी बेक हो जाता है, बट अगर आप कढ़ाई या पतीले में बनाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। बस इसको बेक होने में ही टाइम लगता है, नहीं तो इसकी प्रिपरेशन जो आप करते हो, जो भी आप उसको मतलब मिलाते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस बेक होने में ही टाइम लगता है। तो एक बार आप, मैंने जैसे बनाया है, आप एक बार उसको ट्राई करके देखो, फिर उसके बाद कमेंट करना कि कैसा लगा। तो आइए फिर बनाते हैं मार्बल केक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स ले लिया है, जो मैं आपको बारी बारी से बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। दूध मैंने एक कप लिया है, इतना नहीं लगेगा, इसका हाफ लगता है, आप ले सकते हो इतना। और ये मैदा है, ये मिल्क पाउडर, ये एक कप दूध, ये पिसी हुई चीनी जो जल्दी घुल जाती है, ये दही, ये रेड कलर, रेड नहीं ऑरेंज है, ये ग्रीन कलर, ये वनीला एसेंस, ये बेकिंग पाउडर, ये विनेगर, ये बेकिंग सोडा और ये ऑयल है। तो पिसी हुई चीनी जल्दी घुल जाती है, इसलिए मैंने लिया है। अगर चीनी पिसी नहीं रहेगी तो फिर वो घुलने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने एक बॉल ले लिया है, देख लो। उसके बाद इस बॉल में सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो, लेकिन वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, मेल्ट बिल्कुल, या घी भी रूम टेम्परेचर, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर का लो। दही, दूध, कुछ भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मेल्ट करूँगी, बहुत अच्छे से फेटना है, कम से कम 2 मिनट तो इसको फेटना ही फेटना है। अब मैंने इसमें डाला है चीनी, अब मैं इन तीनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी वनीला एसेंस लगभग हाफ चम्मच, ये बड़ा चम्मच है, इससे हाफ चम्मच लेना है वनीला एसेंस। अब मैं इन सारी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मेल्ट करूँगी 1-2 मिनट तक। फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान होता है, देखने में ये डिफ़िकल्ट लगता है, बट बनाना बहुत आसान होता है। बस जो टाइम लगता है बेक करने में ही टाइम लगता है। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, लाइक भी किया करो। उसके बाद मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, ये मैदा छना हुआ है, आप मैदे को अच्छे से छान लो, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, ये सारा मैंने मेजरमेंट से डाला है, मेरे को अंदाज़ था इसलिए मैंने डाला है, आप मेजरमेंट कप से ही सारा चीज़ लें। उसके बाद फिर मैंने बेकिंग पाउडर डाला, ये छोटा स्पून है, इससे मैंने 1 स्पून डाला है। उसके बाद मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा आधी चम्मच ही डालो, ज़्यादा नहीं डालो। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। इसमें दही और विनेगर इसलिए लोग डालते हैं क्योंकि ये फ्लफ़ी और स्पंजी बने, इसलिए आप मेरे केक को देखना लास्ट में, ये बहुत ही फ्लफ़ी स्पंजी बने हैं। अब जितनी रिक्वायर है उतनी मैं दूध इसमें डालूंगी, दूध पूरा नहीं डालना, नहीं तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें बैटर ना ही थिक चाहिए ना ही पतली चाहिए, बिल्कुल मीडियम वाली चाहिए, जो मैं आपको उठाकर दिखाऊंगी कि मैंने कैसा थिक वाला बनाया है बैटर। इसको अच्छे से मेल्ट करना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं। देखो मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और लिया, इससे ज़्यादा दूध नहीं लेना है मुझे, बस इतना ही। मैंने बोला था ना हाफ कप दूध लगेगा, तो मैंने हाफ कप दूध ही लिया था। उसके बाद आप इसको अच्छे से मेल्ट करें, अच्छे से मिला लेने पर क्या होता है ना, कोई भी लम्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। देख लो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी, विनेगर और दही फ्लफ़ी होने के लिए डालते हैं, स्पंजी बनने के लिए। आप दही स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह दूध ही ज़्यादा ऐड कर देना इसको मिलाने में। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी।
अब मैंने जो मेरा बैटर था उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे दो कलर वाले बनाने हैं, एक ग्रीन कलर और एक ऑरेंज कलर। तो मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला है 1/2 चम्मच। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी ताकि ये कलर अच्छे से मिल जाए। बहुत अच्छे से मिलाना है चम्मच से, मैंने चम्मच की सहायता से इसको मिलाया है। बहुत अच्छे से मिलाइए। उसके बाद में अब ये बैटर ग्रीन वाला तैयार हो चुका है, पीछे मैंने वाइट वाला रखा है जो दिखाई दे रहा होगा आपको। और उसके बाद एक अब मैं ये ऑरेंज वाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी लेयरिंग करनी है, तभी जाके इसका मार्बल वाला जो जेबरा वाला जो डिज़ाइन होता है वो बनता है। इसको मैंने केक टिन लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे से ऑयल से चारों तरफ। आप चाहे तो मैदा का डस्टिंग भी कर सकते हैं, बटर पेपर भी डाल सकते हैं। अब मैंने वाइट वाला डाला है थोड़ा सा, ऑरेंज वाला। इसको ऐसे ही लेयर बाय लेयर डालना है, इसकी लेयरिंग करनी है अच्छे से। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस आप ऐसे ही बारी बारी से हर कलर डालते जाओ जब तक आपका बैटर ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक। मैंने सारे जो मेरे केक के बैटर थे मैंने सबको बारी बारी से ऐसे ही लेयरिंग की है। ये अगर आपका आपके बच्चे या आप खुद, आपको मैदा वाला केक अगर नहीं पसंद हो तो आप इसकी जगह सूजी भी यूज कर सकते हैं, बट 1-2 चम्मच आप मैदा भी उसमें यूज करना। अब इसके बाद मैंने एक टूथपिक ले लिया है, उसकी सहायता से देखो मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। अब ध्यान से देखना मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनती है, देखना लास्ट में कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करो, ताकि मेरी वीडियो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। देखो ये कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बन रही है। बेक होने के बाद ना ये डिज़ाइन थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, मतलब वो केक फूल जाता है ना ऊपर, तो वो डिज़ाइन थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। अब मैंने एक पतीला ले लिया है, इसको मैंने 10 मिनट गर्म कर लिया और इसमें नमक डाला है मैंने नीचे पेंदी में, ऊपर से मैं स्टैंड डाल रही हूँ। ये गर्म है इसलिए सावधानी से ही आप इसको डालें और ढक कर 10 मिनट तक इसको प्री हीट कर ले आप। देखो मैं इसको ढक दूंगी, मैंने प्री हीट कर लिया था। अब इसको सावधानी से मैंने इसमें केक टिन डाल दिया। अब ये बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका केक, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका केक हिल डुल जाएगा। तो आसान से सावधानी से डालें। फिर 20-25 मिनट के बाद मैंने इसको एक बार ढक्कन हटा कर देखा था। देखो मेरी केक बिल्कुल लगभग पकने पकने पर है, कितनी फ्लफ़ी ऊपर आ चुकी है, फुल कर ये। मैंने टूथपिक डाल के देखा था, थोड़ी सी बीच में कच्ची रह गई थी। अब देखो कितनी अच्छी कलर आई है केक की। मैं आपको देखो दबा कर भी दिखा रही हूँ, कितनी जाली जाली से स्पंजी बनी है, देख लो। देखने में अच्छी लग रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत टेस्टी केक बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनती है। थैंक यू।